नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूँ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में मक्के अरहर की खेती को बढ़ावा देने की योजना पर सरकार का यूटर्न। अब किसानों को ही देना पड़ेगा फसल बीमा का प्रीमियम। पहले सरकार ने किया था प्रीमियम भरने का वादा। बजट को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आदित्यनाथ सरकार पर साधा निशाना। आवारा मवेशियों और गन्ने के बकाया भुगतान का उठाया मुद्दा। कहा बजट में किसानों की फसलों के दाम की बात गायब। राजस्थान में मरम्मत के लिए 25 मार्च से अगले 70 दिनों तक बंद रहेगी इंदिरा नहर। किसानों को सता रहा कपास की बुआई ना हो पाने का डर। सरकार से की 40 दिनों में मरम्मत का काम पूरा करने की मांग। और यूपी के झांसी में मशरूम की खेती ने दिखाई किसान को राह। मौसम की चुनौतियों के बीच हर महीने 30,000 से ज्यादा की कमाई। अब तक 700 किसानों को दे चुके हैं मशरूम उगाने की ट्रेनिंग। गन्ने की खेती और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अव्वल है, लेकिन यहां के गन्ना किसानों का हाल बेहाल है। 14 दिन में गन्ने के बकाया भुगतान का नियम होने के बावजूद किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। नियम तो ये भी है कि तय समय पर चीनी मिल्स गन्ने का भुगतान नहीं करती तो जिन मिल्स की माली हालत ठीक ठाक है उन्हें 15% की दर से ब्याज जोड़कर भुगतान करना होगा, लेकिन इसे सुनिश्चित करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अकेले बागपत जिले में 10 चीनी मिलों पर मौजूदा पेराई सत्र का 513 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। अकेले मलकपुर चीनी मिल पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने के बकाया भुगतान के लिए घेरा डालो डेरा डालो अभियान शुरू किया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया है। अब दूसरे किसान संगठन बकाया भुगतान को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किसानों को बहुत जल्द आवारा मवेशियों की समस्या से निजात दिलाने का दावा किया है। हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आवारा मवेशियों की समस्या और गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है, किसानों की आवारा पशुओं की समस्या का हल उसमें से गायब है। गन्ने का बाकी भुगतान गायब है। किसानों का फसल बर्बादी का मुआवजा गायब है। किसानों की फसल के दाम की बात गायब है। प्रियंका गांधी ने इसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें किसान आवारा जानवरों से फसलों को बचाने में आ रही मशक्कत और सम्मान निधि से कोई राहत ना मिलने की बात सामने रख रहे हैं। हरान के मारे ज्यादा परेशान, रात दिन सोने नहीं पाते हैं, रात के जागे की दिन का मजूरी करें कि टहल कर रहे हैं हम लोग। लड़का बाल बच्चे भूखन मरते हैं, प्यासन मरते हैं, दिन भर और रात दिन हराहा खाली परेशान की हैं। इसके लिए कोई कार्रवाई की जाए साहब, नहीं तो बहुत परेशान, जनता बहुत दुखित है। अयोध्या में भी किसान आवारा मवेशियों से फसलों को होने वाले नुकसान से खासे परेशान हैं। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर तहसील में बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार ना तो आवारा मवेशियों की समस्या दूर कर पा रही है और ना ही इससे नुकसान उठाने वाले किसानों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है। सपा नेता ने आदित्यनाथ सरकार पर अखिलेश सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का भी आरोप लगाया है। सांडों के चरने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, एक तिहाई किसान पूरी तरह से बदहाल है, एक तिहाई फसलें हमारी चट गई हैं और दूसरी किसानों के मारने से इलाके के 14 लोग मर गए हैं, आज तक उनको सहायता नहीं दी, सहायता दी जाए। पशु घर खोला गया है उस पर सही ढंग से कोई भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए जानवर को पकड़ के ले जाते हैं, उस घर में रखा जाता है, उसके बाद उसको शाम को खोल दिया जाता है और वो जानवर फिर आकर के हम लोगों की फसल को नष्ट करते हैं
कागज़ की पूर्ति हो जाती है और लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। बजट, नागरिकता कानून और आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन पर अधिकार को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी देश भर में अभियान चला रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में संघर्ष सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम नेता वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का बजट ना तो किसानों को लाभकारी समर्थन मूल्य दिलाने वाला है और ना ही आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने वाला। उन्होंने केंद्र पर गांवों का शहरीकरण करने का भी आरोप लगाया। वृंदा करात ने कहा कि शहरीकरण के नाम पर गांव की जमीन को जबरन निगम क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है, जिससे वो अब मनरेगा यानी 100 दिन की गारंटी देने वाली योजना के लाभ से भी वंचित हो गए हैं। अगर वो कृषि क्षेत्र के केवल शहर के नाम देकर तुम मनरेगा खत्म कर लोगे, हमारी जो पूरी राहत है किसान के नाम पर वो खत्म कर लोगे। और इसी बारे में और ज़्यादा बातचीत करते हैं, किसान नेता संजय पराते जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है किसान बुलेटिन में। यहाँ हमने वृंदा जी को ये कहते सुना कि किस तरह से शहरीकरण के नाम पर गांव की ज़मीन निगम क्षेत्र में डाली जा रही है और इसकी वजह से जो ग्रामीण वासी हैं उन्हें मनरेगा का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, किस तरह की दिक्कत आ रही है? देखिए, दिक्कतें बहुत सारी है। ये सरकार जो पेशा कानून जो बना हुआ है, जो ग्राम सभा को सर्वोच्चता प्रदान करता है, उस पेशा कानून को ही लागू करने से इनकार कर रही है। लेकिन जब पेशा कानून को लागू करने का दबाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक सुनियोजित रणनीति के तहत ये पूरे गांव को निगम क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं। एक तो ये पेशा कानून से बाहर हो गए और सबसे बड़ी दिक्कत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। अब वो गांव से संपत्ति कर वसूल कर रहे हैं, पानी का कर वसूल कर रहे हैं, सफाई का कर वसूल कर रहे हैं, लेकिन विकास की कोई भी रोशनी गांव तक नहीं पहुंचती। तो मनरेगा से वंचित, करों का उन पर बोझ लग गया और गरीबों के, गांव वालों के करों के सहारे जो है शहरों का विकास हो रहा है, विकास की रोशनी उन तक पहुंच नहीं रही है। इस तरीके की तमाम दिक्कतें जो है हमको कोरबा में देखने को मिली, जिसका वृंदा करात ने जो है अपने भाषण में जिक्र किया है। संजय जी, एक बात ये भी सामने आती रही है कि किस तरह से गांव में इस तरह की अवसर कम हो गए हैं, रोजगार नहीं बचा है तो लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अब अगर शहरीकरण हो रहा है और विकास के नाम पर शहरीकरण हो रहा है और आप कह रहे हैं कि विकास भी नहीं हो रहा, तो ऐसे में किस तरह का विकल्प रह जाता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रामीणों के लिए? पहली बात तो ये है कि हमारा ये मानना है कि विकास के लिए पैसों की इस देश में कमी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि गांव का विकास, ग्रामीणों का विकास, गरीबों का विकास क्या उनके एजेंडे पर है? वो यदि करों में कारपोरेटों को लाखों करोड़ रुपयों की छूट दे रहे हैं और किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं दे रहे हैं, उनको कर्जा से मुक्त नहीं कर रहे हैं, तो ये समस्याएं तो पैदा होंगी। और यदि वो एक और बड़ी समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वनाधिकार कानून लागू है, वो वन क्षेत्र के सभी हिस्सों में लागू है, लेकिन शहरीकरण की चपेट के कारण जो वन क्षेत्र शहरों में शामिल हो गए उनको वनाधिकार के तहत पट्टे देने से भी वो इनकार कर रहे हैं। तो इसका समाधान एक ही है कि ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था पर आधारित जो क्षेत्र है, गांव वालों के जो अधिकार है, उन अधिकारों को जो है वो किस तरीके से अमल में लाया जाए, यही जो है उनके विकास की गारंटी हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भूजल दोहन रोकने के लिए धान की जगह मक्के और अरहर की खेती को बढ़ावा देने की योजना शुरू की। इसके लिए किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ मदद देने का ऐलान किया। इसमें 2,000 रुपये नकद और बीज के साथ 766 रुपये का फसल बीमा भी शामिल था, लेकिन हरियाणा सरकार अब अपने वादे से पलट गई है। सरकार का कहना है कि वो धान की जगह मक्के और अरहर की खेती करने वाले किसानों का उनकी फसलों के लिए बीमा प्रीमियम नहीं भरेगी। ये बात सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताई है।
मई 2019 में सरकार ने जल ही जीवन है योजना के तहत हरियाणा के 7 जिलों को आइडेंटिफाई किया और इस योजना को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन राशि देने की बात कही। यहां तक कि किसानों के बीमा को लेकर भी सरकार ने खुद ही प्रीमियम भरने का दावा किया। हालांकि किन्हीं कारणों से योजना पर अमल नहीं हो पाया और सरकार ने अब अंततः यू टर्न लेते हुए फसल बीमा योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया है। कहा गया कि जिन किसानों ने अपने स्तर पर प्रीमियम भरा है, फसल बीमा का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा। और ये जानकारी सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के जरिए हरियाणा के किसान रोहित बालियान ने हासिल की है और इस बारे में उन्हीं से बातचीत करते हैं जो कि यमुनानगर हरियाणा से सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी रोहित, ये बताएं कि 21 मई 2019 को खुद खट्टर सरकार ने डार्क जोन्स में पानी की किल्लत को देखते हुए इस योजना को शुरू किया, मगर अब जिस तरह से सरकार ने यू टर्न लिया है, किसानों में किस तरह की प्रतिक्रिया है? नमस्कार मैम। जी मैम, जब सरकार ने ये यू टर्न लिया है तो किसानों में को बहुत ज्यादा असंतोष है और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पर विश्वास करके ही किसानों ने धान की जगह मक्के की फसल लगाई थी। जी, आपको आपने इस आश्वासन पर धान की जगह मक्के की फसल लगाई, कितने एकड़ में आपने ये बिजाई की, किस तरह का नुकसान और क्या आपको जो 2000 रुपए कैश नकद देने की बात थी, क्या वो आपको मिला? मैम, मेरे परिवार ने 20 एकड़ में मक्के की फसल लगाई थी जो कि बाढ़ के कारण पूरी तरह खराब हो गई थी और उसको ना तो अब तक कोई क्लेम मिला है, ना ही 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है। और जब आरटीआई लगाकर हमने जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब दिया है कि अनआइडेंटिफाइड रीजन के कारण ये स्कीम सरकार ने वापस ले ली है और अब आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो जो ये कारण सामने रखा गया अनआइडेंटिफाइड रीजन, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैम, हम यही चाहते हैं कि सरकार ये प्रीमियम पे करे ताकि किसान को उसकी फसल का मुआवजा मिल सके। जी, आरटीआई के तहत आपको ये जानकारी मिली कि 1,25,000 बीज बांटे जा चुके हैं, 38,000 एकड़ में बुवाई हो चुकी है, वेरिफिकेशन हुआ। तो सवाल ये उठता है कि जब ये कदम उठाए गए तो फिर सरकार ने प्रीमियम क्यों नहीं भरा? मैम, ये बात तो सरकार ही जानती है कि उन्होंने प्रीमियम क्यों नहीं भरा। जी, लेकिन ये है कि इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब की बार वर्षा काफी ज्यादा होने से लगभग सभी की मक्के की फसल खराब हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस जानकारी के लिए। यानी कुल मिलाकर अगर इस तरह के योजनाएं शुरू होंगी और उन पर यू टर्न लिया जाएगा तो ये जाहिर है कि जिस तरह से किसान, इन सब की प्रतिक्रिया आपने सुनी, सारे ही किसानों के जो विश्वास है उसको ठेस लगी और आगे के लिए इस तरह की योजनाओं पर से किसानों का विश्वास उठ जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 3 मार्च को अपना पहला बजट पेश करेगी। इसके लिए अलग अलग विभागों के साथ बैठकों का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने अच्छे नतीजे ना देने वाली योजनाओं को बंद करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये देने और 10 रुपये में धोती साड़ी देने जैसी योजनाएँ शुरू करने के संकेत दिए हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खेती किसानी से जुड़ी कुछ और अहम खबरें, आप देखते रहिए किसान बुलेट। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241-44981 or visit www.srku.edu.in. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं,
हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहां इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। केंद्र सरकार PM किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को सीधे फायदा पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन इस दावे और जमीनी हकीकत में अंतर है। किसानों को सालाना 6,000 रुपए पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सिकुड़ रहा है सम्मान निधि का दायरा, चौथी किस्त पाने वाले किसानों की संख्या घटी। सिक्किम में सिर्फ 11 किसानों को मिली दूसरी किस्त। यूपी में सम्मान निधि के लिए भटक रहे किसान, ये हकीकत है उस PM किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके जरिए सरकार किसानों को सीधी मदद करने के दावे कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिक्किम में महज 11 किसानों को ही दूसरी किस्त मिली है। ये जानकारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। लोकसभा में उन्होंने बताया कि सिक्किम में सम्मान निधि के लिए कुल 11,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन है। केंद्रीय मंत्री ने यूपी में सम्मान निधि पाने वाले किसानों की संख्या सबसे ज्यादा होने का दावा किया, लेकिन ये कितना सही है, जरा अयोध्या के इन किसानों से सुन लेते हैं। अभी तक सोहावल तहसील में जो किसान सम्मान निधि योजना है उसका लाभ हमें नहीं मिला है। आते हैं लेखपाल, कागज मांग बार बार लेकर जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कहीं फेंक देते हैं। लेखपाल को दिए, उसके बाद फिर नहीं मिला, फिर ब्लॉक पर गए, ब्लॉक पर भी नहीं काम हुआ। फिर ये हुआ कि तुम जाइए फैजाबाद, फैजाबाद की स्थिति अच्छा वहाँ पर गए, फिर भी वहाँ नहीं हुआ काम, बोले कि हो जाएगा 2-4-10 दिन में। हमारे अकाउंट में जो पैसा 2,000 आता है वो मिल नहीं रहा है। आ नहीं रहा है, मैं अप्लाई किया हूँ, मिल्कीपुर से किया, फैजाबाद से किया, अभी तक वो आया नहीं है। सम्मान निधि पाने के लिए किसान दर बदर भटक रहे हैं, कहीं आधार का बैंक खाते से मिलान नहीं हो पा रहा है तो कहीं पर खतौनी का नंबर गलत है। इन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, किसी के बैंक का अकाउंट गलत हो गया है, किसी कोई कमजोरी है, शिकायत करने के बाद भी अधिकारी उसको दबा देते हैं। आज तक तमाम किसान भवन से लेकर के तहसीलों के चक्कर ब्लॉकों के लगा रहे हैं। प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में भी किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने का हाल अलग नहीं है। यहाँ सम्मान निधि के लाभ के बदले मांगी जा रही रिश्वत से परेशान किसान सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। सम्मान निधि के हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं खाते में। कई एक बार हमने 200 रुपए करके लेखपाल को 10-10-20-20 फॉर्म दिए, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा नहीं आया। PM मोदी बिना कागजी झंझट के किसानों को एक क्लिक में सम्मान निधि देने के दावे करते रहे हैं। पहली बार देश के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंची। लेकिन जमीनी हकीकत खुद अधिकारियों से सुन लीजिए। लगभग 42,000 जो आधार के अनुसार जिनका नाम सही नहीं है, जिन किसानों का वो डाटा मिला हुआ है, 45,000 के लगभग वो डाटा है जिनके आधार संख्या गलत है किसानों की, और 51,000 के लगभग हमको वो डाटा मिला हुआ है जिसमें किसान का खाता संख्या गलत है। इस पे हम लगातार काम कर रहे हैं और इसको 31 मार्च तक का हमको लक्ष्य मिला है, इसको हम ठीक कर लेंगे। मोदी सरकार ने 14.5 करोड़ किसानों तक सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कागजी उलझनों के चलते अब तक 8 करोड़ किसानों को ही इसका लाभ मिल पाया है, जो सरकारी दावों पर अपने आप में बड़ा सवाल है। यूपी के अयोध्या से विनोद तिवारी और शाहजहांपुर से अरविंद त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी बैंकों से जीरो ब्याज पर लघु अवधि के फसली कर्ज की भुगतान तारीख को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विनोद मिल के मजदूरों की मजदूरी मिल की 86 बीघा जमीन बेचकर दी जाएगी। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश टाइम बाउंड क्लियरेंस एक्ट 2020 को भी मंजूरी दी है। अभी इसमें 10 विभागों की 32 सेवाओं को शामिल किया गया है। वर्ष 2018-19 में 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना खरीफ 2018 और रबी 2018-19 में वितरित फसल ऋण की ड्यू डेट बढ़ाकर 30 जून 2019 कर दिया गया है। ये डेट का अप्रूवल दे दिया कि इस अवधि तक ये 0% पे जो है ऋण जो दिया गया है वो स्वीकृत कर दिया गया है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को मरम्मत और सफाई के लिए 25 मार्च से अगले 70 दिन के लिए बंद किया जाना है। यानी किसानों को इस दौरान सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। इससे किसानों को इस साल कपास की खेती ना हो पाने का डर सता रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जल ही जीवन है तो पश्चिमी राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर जीवन रेखा है। फिलहाल सिंचाई से लेकर पीने तक पानी मुहैया कराने वाली ये नहर 25 मार्च से अगले 70 दिन के लिए बंद रहने वाली है। उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, इसलिए 70 दिन का क्लोजर ले रहे हैं। किंतु पेयजल के लिए बराबर एक बार 40 दिन 35 दिन का पानी, दूसरी बार फिर आधा पानी जो है वो नहर में पॉन्ड करके रखा जाएगा। पीने के पानी की कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान में 42 किलोमीटर और पंजाब में 30 किलोमीटर तक इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत होनी है। इसके लिए 25 मार्च से 5 जून के बीच 40 दिन तक केवल पेयजल की जरूरत पूरी करने भर का पानी छोड़ा जाएगा। यानी 70 दिन तक नहर पूरी तरह से बंद रहेगी। इससे किसानों के सामने समय पर कपास की बुआई ना हो पाने का संकट खड़ा हो गया है। किसान इससे बचने के लिए नहर की मरम्मत का काम 40 दिन में पूरा करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के लिए फायदा तो होगा, लेकिन इसे कम से कम समय में तैयार करें तभी फायदा होगा। अगर ज़्यादा दिन तक नहर की बंदी रहती है तो किसानों को आने वाले समय में जो नरम कपास की बुआई बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। गंगानगर जिला जो कृषि प्रधान जिला है, इसमें बहुतायत जो किसान है वो कॉटन की बुआई करते हैं। तो कॉटन की बुआई का सीजन जो चला जाएगा, नरमे की बुआई का सीजन, जिससे सरकार और किसान को हजारों करोड़ रुपए का जो नुकसान होगा, जिससे बुआई नहीं हो पाएगी। लगभग 25 मार्च से बंदी है और 25 अप्रैल से 15 मई तक नरमे की जो बीजान का वो उत्तम समय होता है। सो इसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इस बंदी को छोटा करके 40 दिन का करे। और किसान कपास की खेती में नुकसान से परेशान है, लेकिन राज्य के सिंचाई मंत्री ऐसी किसी बात से साफ इनकार कर रहे हैं। उन दिनों में सिंचाई का पानी निश्चित रूप से, वो सिंचाई का वक्त नहीं है। जिस समय नहर की बंदी कर रहे हैं उस समय सिंचाई का केवल एक नरमे की फसल का कुछ समय जाएगा, लेकिन जिस समय शुरू होगी उस समय नरमा बो सकते हैं। प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे जिले सिंचाई और पेयजल के लिए इंदिरा गांधी नहर के पानी पर निर्भर हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार कम से कम समय में नहर की मरम्मत कराए ताकि किसानों को ज्यादा नुकसान से बचाया जा सके। राजस्थान के जयपुर से राम स्वरूप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। यूपी के बुंदेलखंड में किसानों को मौसम के उतार चढ़ाव और आवारा जानवरों की समस्या से जूझना पड़ रहा है, लेकिन यूपी के झांसी में खेती करने वाले किसान को ऐसी किसी भी समस्या की कोई चिंता ही नहीं है। देखिए कौन सी खेती कर रहे हैं ये किसान। ये है बटन और ओइस्टर मशरूम। इसकी खेती बुंदेलखंड के किसान प्रवीण के लिए सूखी जमीन पर मुनाफे की बारिश साबित हो रही है। यूपी के झांसी जिले के टकोरी गांव के रहने वाले ये किसान मशरूम की खेती कर हर महीने हजारों रुपए कमा रहे हैं, वो भी बेहद कम लागत में। मटर में सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी रात को रखवाली करनी है, जो कि एक बुंदेलखंड में बहुत बड़ा छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है। कि इनकी मशरूम में हमें किसी तरह की कोई रखवाली नहीं करनी है, क्योंकि मशरूम की खेती एक बंद कमरे में शुरू की जाती है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं गाँव में जो झोपड़ियाँ बनाते हैं, झोपड़ी के अंदर इसको शुरू कर सकते हैं। और इसमें ना तो हमें ओलावृष्टि का खतरा है और ना ही इसमें हमें सूखा का खतरा है।
कितनी भी सूखा पड़ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है और कम पानी की इसमें हमें आवश्यकता होती है। किसान प्रवीण मौसम के हिसाब से अभी तीन तरह के मशरूम उगाते हैं। सर्दी के मौसम में बटन मशरूम, गर्मी में मिल्की बटन मशरूम और बरसात में ओइस्टर यानी ढींगरी मशरूम। बाजार में एक किलो बटन मशरूम 120 से 180 रुपए में, जबकि ओइस्टर मशरूम 250 से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है। अभी प्रवीण इसकी खेती में हर महीने तकरीबन 35,000 रुपए कमा लेते हैं। 35,000 आसानी से हम महीना उसमें कमा लेते हैं। आम किसान एक करना चाहे तो 10x10 का कमरा हर व्यक्ति के घर में खाली होता है, जिससे वो 10-12 हज़ार रुपये प्रति माह आसानी से कमा सकता है। मैंने अभी तक झांसी में और झांसी के बाहर कम से कम 700 लोगों को प्रशिक्षण दिया है। झांसी में मेरा पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो मेरा उद्देश्य है वो महिलाओं पे है, वृद्धों पे है और दिव्यांगजन जो हैंडीकैप है यानी कि ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकते। प्रवीण अब तक तकरीबन 700 किसानों को मशरूम उगाने की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। कृषि विशेषज्ञ भी बंद कमरे में पुआल और भूसा जैसे कृषि अवशेषों के सहारे होने वाली इस मशरूम की खेती को बुंदेलखंड के किसानों के लिए अच्छा बता रहे हैं। अगर आपको हाई इनकम ज़्यादा पैसे कमाना है तो दो चीज़ें करिए। पहले तो इसे ऑफ द सीजन जैसे गर्मी है, रेनी सीजन में, और इसके अलावा उसके साथ साथ आप स्पॉन की कल्टीवेशन करिए। स्पॉन कल्टीवेशन में आपकी जो कॉस्टिंग है 35 रुपये प्रोडक्शन कास्ट आती है पर पैकेट 1 kg का, और लगभग 90 से 100 रुपये में वो नॉर्मली नॉर्मल प्राइस जो है आपका बिकता है। पारंपरिक फसलों को उगाने पर उसकी सिंचाई से लेकर आवारा जानवरों से बचाने और सही कीमत तलाशने जैसी चुनौतियां होती हैं, वही मशरूम के साथ ऐसा नहीं है। बंद कमरे में होने वाली ये खेती सुरक्षित होती है और बाजार में आसानी से बिक जाती है। यही वजह है कि खेती में घाटा झेल रहे किसान अब मशरूम की खेती को तेजी से अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।